हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल सिंप्लीफाइड स्टडी ऑफिशियल। तो गाइस, आज की वीडियो में हम आपके लिए वैकेंसीज लेके आए हैं, जिसमें आपको जो गाइस सैलरी है वो मिलने वाली है 1,30,000 से लेके 1,70,000, मतलब 1,30,000 से लेके 1,70,000 पर मंथ आपको सैलरी मिलने वाली है। और गाइस, जो ये वैकेंसीज हैं ये हैं नेशनल हेल्थ सिस्टम रिसोर्स सेंटर की तरफ से। तो सारी की सारी वैकेंसीज हम डिस्कस करते हैं। तो नंबर वन जो आपकी पोजीशन है, वैकेंसी है, वो है प्रिंसिपल और लीड कंसल्टेंट की, जिसमें आपको नंबर ऑफ वैकेंसीज एक देखने को मिलती है। एज लिमिट है आपकी 64 ईयर्स। और गाइस, जो आपकी सैलरी है पर मंथ वो है 1,30,000 से लेके 1,70,000 पर मंथ तक। नेक्स्ट गाइस, आपकी पोस्ट है वो है सीनियर कंसल्टेंट की, जिसमें आपकी जो एज है वो सेम 64 ईयर्स मैक्सिमम होनी चाहिए। सीनियर कंसल्टेंट बनेंगे तो 90,000 से लेके 1,50,000 तक आपकी सैलरी, और अगर आप सिंपल कंसल्टेंट बनते हैं तो 60,000 से लेके 1,20,000 तक आपकी सैलरी रहने वाली है। नेक्स्ट है कंसल्टेंट इलेक्ट्रिकल के एरिया में आप रहने वाले हैं कंसल्टेंट, तो आपकी सैलरी 60,000 से लेके 1,20,000 पर मंथ रहने वाली है। ठीक है गाइस, आप इसमें देख सकते हैं कितनी सारी वैकेंसीज गाइस आपको देखने को मिल रही है। और नेक्स्ट वैकेंसी है आपकी मेडिकल कंसल्टेंट की, जिसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज आपकी दो हैं। एज लिमिट आपकी 45 ईयर्स होनी चाहिए और आपकी जो सैलरी 1,20,000 पर मंथ होनी चाहिए। ठीक है, देख सकते हैं गाइस कितनी सारी आपके लिए वैकेंसी के साथ साथ गाइस आप देख सकते हैं जो आपकी सैलरी है वो कितनी बढ़िया सैलरी आपको मिल रही है। ठीक है, लाख लाख रुपए में गाइस आपको सैलरी मिल रही है, एंड जो मैं आपको बता रही हूँ 50,000 से कम पर मंथ की सैलरी तो कोई है भी नहीं। नेक्स्ट गाइस, आप देख सकते हो आपकी है सीनियर कंसल्टेंट की सैलरी, वो आपकी 90,000 से लेके 1,50,000 पर मंथ मिलेगा। एंड नेक्स्ट है कंसल्टेंट की इलेक्ट्रिकल, 60,000 से लेके 1,20,000 पर मंथ मिलने वाला है। और डिप्टी कंसल्टेंट की जो आपकी सैलरी है वो 50,000 से 80,000 रहने वाली है। तो गाइज, आप सैलरी देख सकते हैं कितनी बड़ी आपको सैलरी मिल रही है, तो आपके लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप इसे अप्लाई कर सकते हैं सारी वैकेंसीज को। कैसे अप्लाई करना है, आपको जाना है गूगल पे और लिखना है www.mohfw.gov.in या www.nhsrcindia.org। उसके बाद गाइज NHSRC की ऑफिशियल वेबसाइट खुलेगी, उसमें आपको सारी पोस्ट देखने को मिल जाएंगी। आप क्वालिफिकेशंस क्या चाहिए, कैसे आप अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, अप्लाई भी कर सकते हैं वहाँ पे जाके और इस जॉब को ले सकते हैं। ठीक है, होप सो गाइज वीडियो अच्छी लगी होगी एंड इन्फॉर्मेटिव रही होगी। ऐसी वीडियोस के लिए और डिफरेंट डिफरेंट वैकेंसीज आपकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग हमारे चैनल पे डेली बेसिस पे अपलोड होते रहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। मीट यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट वैकेंसी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल फॉर मोर वीडियोज लाइक दिस।